राजस्थान के बाड़मेर में एक आरटीआई कार्यकर्ता के साथ हैवानियत की घटना सामने आई है, जिसमें पहले तो इस कार्यकर्ता को किडनैप कर लिया गया, फिर उसके साथ बर्बरता से मारपीट की गई। दरिंदों में हैवानियत इस कदर सवार थी कि उन्होंने आरटीआई कार्यकर्ता के हाथ पैर तक तोड़ दिए, पैरों में सरिये और कीले ठोक दी। आरोप है कि उसके साथ ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उसने अपनी ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार और अवैध शराब बिक्री की शिकायत की थी। आरटीआई एक्टिविस्ट अमरा राम बाड़मेर के जोसोड़ो के रहने वाले हैं, जिनका फिलहाल जोधपुर में इलाज चल रहा है। अमरा राम ने होश में आने के बाद पुलिस को बताया कि मैं जोधपुर से बस से अपने गांव पहुंचने के लिए पैदल जा रहा था, इसी दौरान स्कॉर्पियो में कुछ नकाबपोश बदमाश आए और मुझे उठाकर किसी सुनसान जगह पर ले गए और मेरे साथ मारपीट की। इस दौरान उन्होंने सरिये से मेरे दोनों पैर तोड़ दिए और पैरों में 6 जगह कीलें ठोक दी। इसके बाद मुझे मरा समझकर सड़क पर फेंक दिया। ये घटना ये बताने के लिए काफ़ी है कि राजस्थान में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं। वैसे केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से लागू सिफारिशें कहती है कि अगर किसी आरटीआई कार्यकर्ता को धमकाया जाता है या उस पर हमला होता है तो दोषियों पर फौरन कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के मामलों में डीएम और एसपी की देखरेख में जांच करवाई जाएगी। बावजूद इसके आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें पकड़ने के लिए 4 टीमें गठित की हैं। देखते हैं इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। टीम खबर अपडेट।